बट ओपन इज इकल टू हाई कैंडल यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक किया मतलब प्रीवियस डे लॉस ब्रेक किया यहाँ से हमने एक पुट ट्रेड भी दिया था, जो भी ट्रेड्स आज हमने शेयर किए यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा सिर्फ एक रेड ट्रेड था हमारा आज वो भी सिर्फ थ्री पॉइंट्स का लॉस हमने लिया बाकी सब ट्रेड्स वर प्रॉफिटेबल इट वॉज यू कैन से साइडवेज डे बट अच्छे मूव्स आए निफ्टी में एटलीस्ट यू नो बे ट्रैप बुल ट्रैप बना तो हम लोग ने अच्छे से ट्रेड किया उसको एंड वही यू मार्केट्स में इट वॉज अ वेरी गुड डिफेंस दोनों साइड के मूवस हमको देखने मिले निफ्टी स्पेसिफिकली मूवड वेरी नाइसली ओप्रिजिकल टू हाई ब्रेक डाउन यहाँ पे री टेस्ट यहाँ से फिर से देखो हमारे सपोर्ट के पास एक यहाँ से देखो कितने कितना बड़ा बाउंस मिला मतलब ट्वेंटी थ्री थाउजेंड थ्री फिफ्टी से लेकर ट्वेंटी थ्री थाउजेंड फाइव फिफ्टी तक गई मार्केट ओके okay, मतलब ऑलमोस्ट टू ऑलमोस्ट क्या टू हंड्रेड पॉइंट का बाउंस आपको मिला है मतलब समझो एक ऑप्शन बायर्स के लिए यही चाहिए रहता है और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए रहता है टू हंड्रेड पॉइंट्स का मूव वो भी इन अ डे इन निफ्टी इज अ बून या बोल सकते बून बोल रहा हूँ ब्लेसिंग फॉर यू नो ऑप्शन बायर्स ओके okay, तो वही हुआ मार्केट बहुत साइडवेज बैंक निफ्टी अगर मैं देखो तो सिमिलर प्राइस एक्शन ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल हमारे यहाँ सॉरी यहाँ पे खुला मार्केट और यहाँ पे खुला मार्केट ये काफी साइडवेज था ज़्यादा कुछ स्ट्रेट बैंक निफ्टी में आज हम लोग को मिला नहीं ठीक है मिड कैप निफ्टी भी बहुत जन ट्रेड करते इसमें भी साइडवेज एक्शन था एंड फिर निफ्टी इसकी कल लास्ट एक्सपायरी रहने वाली है इसमें भी थोड़ा साइडवेज एक्शन हमको देखने में मिला ओके ना डेली टाइम फ्रेम पे सब चार्ज देख लेते डेली टाइम फ्रेम पे जो मैंने कल आज का वीडियो लग रहा है नया माउस लेना पड़ेगा थोड़ा स्क्रोलिंग इशूज हो रहा है वट uh, uh, जो मैंने कल डिस्कस किया था वीडियो में कि हमको अगर दो डेली क्लोजिंग्स मिलती है 200 हंड्रेड के नीचे देन मार्केट और बेरिश हो सकती है एंड आज हमको सेकेंड क्लोजिंग मिली है मार्केट मार्केट यहाँ पे जाके क्लोज किया मतलब मार्केट में सेकेंड क्लोजिंग है बैक टू बैक 200 हंड्रेड के नीचे ये जो लाइन है ये 200 हंड्रेड है ओके okay, इसको मैं रेड में मार्क करता हूँ नहीं तो आप लोग थोड़ा कन्फ्यूज हो जाओगे ठीक है टू हंड्रेड डी के हमको दो नीचे क्लोजिंग्स मिल गई है मतलब अभी मार्केट में और सेल ऑफ आ सकता है अभी नीचे और अगर सेल ऑफ आता है मार्केट का तो मे बी मार्केट अपना ये वाले ई एव एप के पास जा सकती है जो हमारा रिसेंट लो था ठीक है आई थिंक ये कोई यूक्रेन का वॉर कुछ चल रहा था यहाँ पे दैट इज द रीजन ये स्विंग लो बना था इस स्विंग लो को बराबर मार्केट ने रिस्पेक्ट किया यहाँ पे इलेक्शन डे के दिन तो यहाँ पे ये मे बी नेक्स्ट टारगेट हो सकता है अगर मार्केट और नीचे जाती है तो नेक्स्ट नहीं तो हमारा ओपन सिकल हाई कैंडल यहाँ पे भी एक काइंड ऑफ एक स्मॉल सपोर्ट का काम कर सकता है ओके तो लेवल्स आर वर्किंग वेरी ब्यूटिफुली हम लोग ने जो भी लेवल्स ड्रॉ किए थे मार्केट ने काफी अच्छे से उसको रिस्पेक्ट कर करके यहाँ पे देखो ए वी वैप हम लोग ने ड्रॉ किया था उसको भी कितने अच्छे से रिस्पेक्ट करके मार्केट नीचे गई है ओके सो थिंग्स आर नॉट येट बुलिश ठीक है इतना गिर गया है और नहीं गिरेगा सोच के लॉन्ग्स नहीं करना है ठीक है आपको आइडिया नहीं है मार्केट कितना और गिर सकता है किसी को भी टॉप नहीं पता किसी को भी बॉटम नहीं पता है मार्केट का ओके okay? सो so, जो दिख रहा है उस पर ट्रेड करो अगर मार्केट बैरिश दिख रही है अगर मार्केट को बुलिश होना है ठीक है बहुत जन बोल रहे हैं कि बुलिश साइंस क्या रहेगा बहुत जन रिकवरी ट्रेड्स प्लान, प्लान कर रहे देखो अगर आपको रिकवरी ट्रेड्स प्लान कर रहे हैं प्लान करने हैं तो वेट करो एटलीस्ट मार्केट का अपने प्रीवियस डे हाइज के ऊपर क्लोजिंग देने का ओके ट्रेंड रिवर्सल या पुल बैक अगर आना रहेगा मार्केट में फर्स्ट साइन वही रहेगा कि मार्केट आपको प्रीवियस डे हाइज के ऊपर क्लोजिंग देते दिखेगा या प्रीवियस डे हाईस के ऊपर अगर ट्रेड करते दिखेगा दैट्स वन आप सोच सकते हो कि मार्केट में थोड़ा पुल बैक आ सकता है ओके okay, तो जब तक वो नहीं दिखता हमको इंट्रा डे पे ठीक है या डेली टाइम फ्रेम पे तब तक हम लोग ज्यादा बुलिश स्ट्रेट्स पे क्वांटिटीज नहीं रखेंगे ओके okay, बेरिस्ट्रेट्स में आपको ज्यादा फायदा मिलेगा राइट right, तो ये हुई निफ्टी की बात बैंक निफ्टी का भी डेली टाइम फ्रेम अगर मैं देखू तो ये सपोर्ट का अच्छा काम कर रहा है काइंड ऑफ टू हंड्रेड इ अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है बट यहां पे अगर मैं देखूँ तो एक क्या क्या बोल सकते हो एक अच्छा डाउनफॉल फिर मार्केट ने दो हॉल्ट कैंडल बोल लो या पुल बैक कैंडल्स बोल लो ये बनाया है तो मे बी कल का दिन इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग इन बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी देखते हैं क्या होता है अगर इसके नीचे जाती है मार्केट देन तो यार बहुत अच्छा फॉल हमको देखने मिल सकता है ठीक है मतलब ये ये जो लेवल है फोर्टी नाइन थाउजेंड नाइन फोर्टी बेसिकली पकड़ के चलो फिफ्टी थाउजेंड के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करती है देन इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड फॉल इन द मार्केट अगर उसके नीचे आती है तो ओके फिन निफ्टी इसकी कल एक्सपायरी है द लास्ट वीकली एक्सपायरी ऑफ फिन निफ्टी यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ तो एक हॉल्ट कैंडल बनाया है डोजी कैंडल बनाया तो डोजी के नीचे अगर ट्रेड करता है देन हम लोग शॉर्ट रहेंगे इसके ऊपर अगर ट्रेड करता है देन एक अच्छा ट्रेड ऑन द लॉन्ग साइड भी मिल सकता है क्योंकि अगर देखोगे तो ये दो लेवल अभी बार बार टेस्ट हो चुके वाट इज दैट लेवल ट्वेंटी थ्री थाउजेंड थ्री फिफ्टी ट्वेंटी थ्री थाउजेंड थ्री फिफ्टी के ऊपर अगर मार्केट रहती है देन ट्वेंटी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड तक जा सकती है इसके नीचे अगर जाती है मार्केट देन फर्स्ट टारगेट ट्वेंटी थ्री थाउजेंड रहेगा और ट्वेंटी थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड रहेगा और इसके नीचे तो फिर कोई सपोर्ट मीनिंगफुल है नहीं फिर हम लोग ट्रेल करते जाएंगे मार्केट ट्वेंटी टू थाउजेंड फोर सेवेंटी फाइव या टू हंड्रेड डी के पास भी आ सकती है ओके सो टमारोज डे ऑल्सो गोडी बी इंटरेस्टिंग इन फिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी निफ्टी में उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग लग नहीं रहा है बट फिन निफ्टी में थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है ओके okay, तो कल के अभी इंट्रा डे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं इंट्रा डे टाइम फ्रेम पर लेवल्स देख लेते हैं ना वुड बी द लेवल्स फॉर टुमारो लेवल्स फॉर टुमारो अगर मैं देखूँ तो रेजिस्टेंस के हिसाब से मेरे हिसाब से अब ये लेवल एक अच्छा रेजिस्टेंस का, का काम कर सकता है जहाँ से आज एक यू कैन से रिजेक्शन भी आया ओके okay, मैं इसको नहीं ले रहा हूँ बिकॉज देखो यहाँ पे एक ऑलरेडी एक अच्छा रेजिस्टेंस है तो इसको मैं नहीं ले रहा हूँ एज अ नेक्स्ट रेजिस्टेंस मेरे लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस सब सीधा ये अगर ब्रेक करता है देन ट्वेंटी थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड रहेगा जहाँ से एक अच्छा ब्रेकडाउन आया था और रीटेस्ट मतलब रीटेस्ट लेके एक अच्छा ब्रेकडाउन आया था मार्केट का ओके okay? तो इंट्रा डेवाइज मेरा रेजिस्टेंस टुमारो इज गोइंग टू बी दिस लेवल ये पूरा जोन है एक्चुअली ट्वेंटी थ्री थाउजेंड आप पकड़ के चलो फाइव सिक्सटी तक इज गोइंग टू बी माई इंट्रा डे रेजिस्टेंस सपोज इन बी ट्वेंटी थ्री थाउजेंड थ्री थर्टी एट एंड इसके ऊपर सीधा ट्वेंटी थ्री फर्स्ट ऑल्टे ट्वेंटी थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड इसके ऊपर फिर ट्वेंटी थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड इसको मैं मार्क कर रहा हूँ बट देन इसको ज्यादा हम लोग यू you नो know, ये दिस टाइम दिस विल नॉट वर्क मैं क्यों आपको बताऊंगा बाद में ओके बैंक निफ्टी में लेवल्स लेवल देखते बैंक निफ्टी अगर कोई मंथली एक्सपायरी ट्रेड कर रहा है तो ही बिकॉज इसकी एक्सपायरी वीकली एक्सपायरी खत्म हो चुकी है अभी तो इसमें क्लीन हमको दिख रहा है कि फोर्टी थाउजेंड फोर सेवेंटी एट इज आर रेजिस्टेंस फोर्टी नाइन थाउजेंड नाइन सिक्सटी फाइव इज अ सपोर्ट इसके नीचे फोर्टी नाइन थाउजेंड सेवन फिफ्टी नाइन इसके ऊपर अगर जाते मार्केट में एक अच्छा फोर हंड्रेड पॉइंट ऑलमोस्ट का राइज हमको देखने मिल सकता है बिकॉज देर इज नो रेजिस्टेंस पोस्ट दिस सो फिफ्टी थाउजेंड एट फिफ्टी तक मार्केट जा सकती है अगर इसके ऊपर ट्रेड करती है तो फिन निफ्टी में देख लेते फिन निफ्टी में ट्वेंटी थ्री थाउजेंड थ्री फिफ्टी इज येजिस्टेंट ट्वेंटी थ्री थाउजेंड एटी फोर इज योर सपोर्ट इंट्राडे अगर आपको लेना है दूसरा सपोर्ट देन इंट्राडे में आप इसको भी ले सकते हो इफ इट्स टू फार ये एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकते हैं हमको इंट्राडे में ट्वेंटी थ्री थाउजेंड वन एटी मतलब ट्वेंटी थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड पकड़िए ओके okay? इसके ऊपर ट्वेंटी था फिफ्टी ऊपर ट्वेंटी थ्री थाउजेंड फोर सेवेंटी वन इसके ऊपर फिर जीरा ट्वेंटी थ्री थाउड थ्री सिक्स फॉर्टी सिक्स भी आते हैं हमको देखने को ओके okay? नाउ कल का ट्रेडिंग प्लान क्या है देखो निफ्टी में ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग लग नहीं रहा है निफ्टी में अगर मैं देखू तो जो लोअर लो लोअर हाई स्ट्रक्चर बन रहा है ठीक है यहां पे अगर फाइव मिनट्स में देखू तो यहां पे थोड़ा बनना बंद हो गया है अभी ओके okay? जैसे यहाँ पे मैंने बोला था कि देखो यहाँ से लोअर लो लोअर हाई बनते जा रहा था निफ्टी में यहाँ पे बंद हो गया था ठीक है तो जिस साइड ब्रेक करेगा उस साइड हमको अच्छा मूव देखने मिलता था तो इस साइड देखो ब्रेक किया नहीं ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल बनाया लोअर साइड इसका ब्रेक किया तो हमको एक अच्छा फॉल देखने मिला सिमिलरली यहां पे अगर मैं देखूं तो फिर से लोअर लो लोअर हाई बनाया बट यहां पे अगर मैं देखू तो ये फिर से इस लो को ब्रेक नहीं किया मतलब इस लो को ब्रेक नहीं किया ओके तो अगर ये लो जब तक ब्रेक नहीं हो रहा तब तक थोड़ा बुलिशनेस रह सकता है मार्केट में तो बेसिकली आपको क्या करना है आज का डे लोज जो है जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक ज्यादा पुट ट्रेड्स नहीं लेना ठीक है ज्यादा क्वांटिटीज में पुट ट्रेड्स मत लो स्कैलप एंड रन कर सकते हो लेवल पे, आ, ये में ये रेंज में सॉरी बट इसके नीचे जैसे मार्केट जाती है दैट्स वेन थोड़ा हैवी क्वांटिटी से अपन पुट बाय कर सकते हैं उसके पहले नहीं ओके okay? तो यहाँ पे सिमिलरली लोअर लो लोअर हाई बनना बंद हो गया है तो अगर ये देखो दिस टाइम अगर दिस ब्रेक्स ठीक है ये जो ये जो रेंज में आपको बता रहा था देखो ये वाला रेंज ठीक है यहाँ से आज फिर से एक अच्छा रिजेक्शन आया तो ये रेंज जब ब्रेक होएगा देन एक अच्छा ब्रेकआउट भी आएगा ओके okay, तो ये स्ट्रक्चर यहां से चेंज हो सकता है तो कल अगर मार्केट ट्वेंटी थ्री थाउजेंड फाइव फिफ्टी के ऊपर ट्रेड करता है ठीक है देन आप एक अच्छा लॉन्ग का सोच सकते हो मार्केट में ओके उसके पहले नहीं ठीक है तो ये स्ट्रक्चर अगर ब्रेक होएगा दैट्स वन वी विल थिंक ऑफ गेटिंग लॉन्ग ना फिन निफ्टी देख लेते फिन निफ्टी कल एक्सपायरी है देखो इसमें भी क्लीन हमको दिख रहा है कि क्या होने की कोशिश हो रही है ठीक है यहां पे अगर मैं देखू देन मार्केट लो लो लोअर हाई बनना जा रहा था ठीक है यहां से बनना बंद हो गया अगर मैं देखू यहां से देन यहां पे अगर आप देखोगे तो ईच लो इज हायर देन प्रीवियस लो ये लो सबसे लो था ये उससे आई I मीन mean उससे हाई था यह उससे हाई था ये भी उससे हाई ऑलमोस्ट ठीक है तो इसमें भी अगर मैं देखूं देन ऑप्शन सेलर्स का एहसल रहे मतलब का रहेगा मतलब कॉल सेलर्स कैसे का रहेगा मेरे हिसाब से यहां पे रहेगा ओके ट्वेंटी थ्री थाउजेंड थ्री फिफ्टी तो कल अगर इसके ऊपर निकलती है मार्केट देन ऑप्शन बायर्स का दिन हो सकता है फिन निफ्टी में कल ट्वेंटी थ्री थाउजेंड फोर सेवेंटी या ट्वेंटी थाउजेंड फाइव हंड्रेड तक भी मार्केट आराम से आ सकती है सो कीप दिस इन माइंड इज गो बी अ वेरी गुड डे फॉर फिन निफ्टी अगर ट्वेंटी थ्री फिफ्टी ऑन दी हायर साइड ब्रेक होता है तो ओके सिमिलरली लोअर साइड पे अगर ब्रेक होता है देन देखो यहां पे पुट सेलर्स बैठे हैं तो ट्वेंटी थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड या ट्वेंटी के नीचे अगर ट्रेड करती है मार्केट देन हम लोग शॉर्ट करेंगे और इसके नीचे ट्वेंटी थ्री थाउजेंड एटी फोर के नीचे ठीक है इसके नीचे तो फिर बहुत अच्छा पुट ट्रेड हमको मिल सकता है फिर मार्केट ट्वेंटी टू थाउजेंड एट एटी वन भी आ सकती है ओके सो वी हैव टू स्टे विद द ट्रेंड फिन निफ्टी में थोड़ा रिवर्सल का चांसेस दिख रहा है क्योंकि यहाँ से अगर मैं देखूँ तो लोअर लो लोअर लोअर लो लोअर आइज बनना बंद हो गया है थोड़ा ठीक है तो अगर ये ब्रेक होता है देन लोअर लो लोअर आइज स्ट्रक्चर कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा तो इसके ऊपर हमको एक अच्छा लॉन्ग देखने मिल सकता है ओके सो कीप इट वेरी सिंपल देखो बहुत जन इंडिकेटर्स वगैरह यूज करके बताएंगे बहुत जन बोलेंगे बहुत जन प्रेडिक्शन करेगी मार्केट यहाँ से अभी ट्वेंटी जाएगी या पुल बैक आएगा पुल बैक कब आएगा वो हमको चार्ट्स पे दिख जाएगा मैंने जैसे आपको समझाया यही ट्रेडिंग प्लान रखो कीप इट वेरी सिंपल मार्केट में पैसा बनता है सिंपल थिंग्स है ओके सो टुमारो टुमरो बी वेरी इंटरेस्टिंग कीप द लेवल्स इन माइंड ट्वेंटी निफ्टी ट्वेंटी इन हमारा फिन निफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट सेंसेक्स भी देख लेते हैं सिंस बहुत जेंट डिमांड करते भी सेंसेक्स का सेंसेक्स का भी लेवल ऑफ कंट्रोल इज सेवेंटी सेवन थाउजेंड नाइन Uh, नहीं सेवेंटी सेवन थाउजेंड नाइन हंड्रेड करेक्ट तो ये जैसे ही ब्रेक होएगा तभी हम लोग लॉन्ग करने का सोचेंगे सपोर्ट अगर मेरे को देखना है इसको पहले रेजिस्टेंस जैसे मार्क कर देता हूँ यहाँ पे ठीक है सपोर्ट इसका मैं देखूँ तो वही है सेवेंटी सिक्स थाउजेंड सेवन फिफ्टी इसके नीचे हम लोग शॉर्ट करेंगे ठीक है एंड रेजिस्टेंस अगर मैं देखूँ देन सेवेंटी सेवन थाउजेंडें नाइन हंड्रेड है तो इसके ऊपर अगर ट्रेड करती है देन मार्केट सेवेंटी सेवन थाउजेंड नाइन हंड्रेड के पास जा सकते हैं इसके ऊपर फिर सीधा सेवेंटी एट थाउजेंड थ्री थर्टी फोर की तरफ भी जा सकती है ओके okay, आपको कुछ नहीं कहना ये लेवल्स मार्क करके रखो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम और 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे ऑब्जर्व करो एंड खुद ही देखो कैसे अच्छे से चलते हैं ठीक है सो वंस अगेन अ गुड डे फॉर अस अगर आपको ट्रेड करना है कैसे हम ट्रेड करते हैं ये लेवल्स पे यू गैस कैन जॉइन अस द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन हम लोग जो भी ट्रेड्स शेयर करते हैं आज हमने पब्लिक चैनल पर भी एक शेयर किया था बुल ट्रैप जब बना था मार्केट में मतलब यहाँ पे बुल ट्रैप बना था और मार्केट नीचे आई थी तो वही हम लोग जो भी ट्रेड्स शेयर करते हैं वो प्योरली हमारे प्राइस एक्शन पे होता है एंड हम लोग अपना ट्रेड के पीछे का लॉजिक भी शेयर करते हैं आप लोग के साथ सो दैट यू गाइज आर अर्निंग एंड लर्निंग एज वेल ठीक है सो दैट्स अबाउट इट फॉर द मार्केट वी बो ट मॉरगाइज यो बिक लाइक दिस सोरी लाइक दिस वीडियो प्लीज दट लाइक बट शेयर इट विद योर फ्रेंड्स दिस इज मी मनु साइनिंग ऑफ टेक केयर एंड प्लीज ट्रेड रिस्पांसिबली हैवे अइस वन बाइक